झारखंड के कई जिलों से जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है और ये निश्चित हो चुका है कि जेएसएससी पेपर लीक की तरह इस बार भी जेपीएससी पेपर लीक हो चुका है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि ये काफी दुखद और शर्मनाक घटना है कि जेपीएससी के छात्रों के साथ राज्य सरकार ने एक बार फिर बेहद गंदा मजाक किया है। जिस तरह से राज्य सरकार आनन फानन में जेपीएससी की परीक्षा को आयोजित करने की कोशिश कर रही थी, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रहा होगा। दुखद और बहुत शर्मनाक जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ फिर एक बार क्रूर और गंदा मजाक इस राज्य सरकार ने किया है। हम लोगों ने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि जिस तरह से आनन फानन में यह परीक्षा आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र निश्चित रूप से छुपा हुआ कोई रहस्य होगा। अमर कुमार बावरी ने कहा कि चतरा, जामताड़ा, देवघर जैसे कई जिलों में जेपीएससी के परीक्षा पेपर लीक की सूचना मिल रही है। राज्य सरकार जहां एक तरफ कोयला, बालू, गिट्टी को बेच रही है, ठीक उसी प्रकार राज्य के युवाओं के भविष्य को भी इस सरकार ने बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से हर सीट के लिए लाखों रुपए लिए गए होंगे। आज चतरा, जामताड़ा, कई एक इस राज्य के जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, देवघर समेत जहां जहां से युवाओं की जो तकलीफें दिख रही है, वो साफ दिखलाता है कि जेपीएससी की पेपर लीक की घटना पुनः जेएसएससी सीजीएल के लीक की पुनरावृत्ति है। ये राज्य सरकार कोयला, बालू, गिट्टी को तो चोरी किया ही, उसको तो बेचा ही, इस राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को भी बेचने का काम किया है। लाखों लाख रुपये में जेपीएससी की सीटें निश्चित रूप से बेची गई होंगी, नहीं तो ये नजारा आज हमको देखने को नहीं मिलता। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने युवाओं से ये भी आग्रह किया है कि वो निराश ना हो, क्योंकि इस भ्रष्ट सरकार के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस राज्य सरकार की विदाई निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को निष्पक्ष नियोजित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इस राज्य सरकार से यह मांग करते हुए कि निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई करे और युवाओं से यह आग्रह करते हुए कि आप निराश ना हो, इस भ्रष्ट सरकार के दिन बस कुछ ही बचे हुए हैं। इस सरकार के विदाई के साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हम लोगों की गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है, वो दे करके युवाओं को फिर से नियोजित करके उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह गारंटी मोदी जी की गारंटी आप सबको देते। जेपीएससी का क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का 2 रुपया में क्वेश्चन बिक रहा है। बाहर में लड़का लोग ओएमआर सीट भर करके सीधे सेंटर में जमा कर दिया जा रहा है टाइम से पहले।